ठीक है मौलाना, ये सवाल है हमारे पास कि बाज़ औरतें नमाज की इब्तिदा करते वक्त अपने दुपट्टे को बहुत सलीके और तरीके के साथ अपने सर के बाल समेट के नमाज पढ़ती हैं, और बाज़ ऐसे खुला सा कुछ आधे बाल नजर आते हैं और कुछ आधे माथे पे रख के कुछ इस तरीके से नमाज पढ़ती हैं, तो अफजल तरीका कौन सा है? नहीं अफजल नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। अफजल ना गैर अफजल तो होता ना कि दोनों ठीक हों। ये तो एक तरीका जो है ना कि बाल यहाँ से नंगे हैं या कोई औरत तो नमाज ही नहीं ना होगी, ये अफजल ना अफजल की बात नहीं। मेरी बहने ठीक है, बड़ी एहतियाती बेहतियाती मैं देखता हूँ कि आधा सर यहाँ तक नंगा नहीं, माथे तक बाल एक भी नंगा नहीं होना, सिर्फ मुंह की टिकिया और हाथ यहाँ तक, ये इजाजत है नमाज में उसको नंगा रखने की। ये अच्छा किया सवाल किया, जो मेरी बच्चियां बहने सो रही खुदा का नाम माने नमाज पढ़ती हैं तो बस ऐसा दुपट्टा हो रहा है कि सिर्फ या मुंह की टिकिया नंगी हो और हाथ घुटनों तक, बाकी सारा छुपा होना चाहिए। औरत का सारा बदन जो है ना ये छुपाने के काबिल है। मर्द को इजाजत है कि वो नाप से घुटनों तक ढांक ले, नमाज उसकी हो जाती। जज़ाकुमुल्लाह खैर।